अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो मोशन इन वन डायमेंशन में बहुत अहमियत रखता है, और हाँ, वो हमारे पिछले लेक्चर यानी कि जो इलास्टिक कोलिजन की डेरिवेशन थी उन्हीं से रिलेटेड है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों ने वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसे पहले जाके देखो, ताकि वो जो दोनों आंसर्स हमारे पास आए थे फाइनल वेलोसिटीज के फॉर ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन, उन्हीं को हम इस लेक्चर के अंदर अप्लाई करने वाले हैं। और अगर वो आते हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं, आप समझ जाओगे इस लेक्चर के अंदर। एक्चुअली आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग चार जो स्पेशल केसेस हैं इलास्टिक कोलिजन के उनको कवर करने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट विद केस नंबर वन। सो केस नंबर वन, केस नंबर वन के अंदर दो बॉडीज हैं, दोनों के मासेस इक्वल हैं, ठीक है, और दोनों की दोनों मूव कर रही हैं विद सम वेलोसिटीज। यानी कि ऐसा हो सकता है कि दो स्नूकर की बॉल्स हैं और दोनों की दोनों स्टेट ऑफ मोशन है और वो इलास्टिक कोलिजन करती हैं। तो क्या होगा इलास्टिक कोलिजन का रिजल्ट, वो सबसे पहले हम डेरिवेशन के जरिए देखेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको सिमुलेशन के जरिए भी समझाऊंगा। तो ठीक है, पहला केस जैसा कि मैंने आपको बताया M1 और M2 दोनों बराबर हैं। केस वन के मुताबिक M1 M2 दोनों बराबर हैं और दोनों को हम M के बराबर कह सकते हैं और दोनों किसी भी वेलोसिटी के साथ जाके एक दूसरे से टकराती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम M1 और M2 को M के बराबर पुट करेंगे। तो जो हमारे पास इक्वेशन थी ना V1 की इक्वेशन ये थी हमारे पास, जो कि हम लोग ड्राइव कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ जहाँ पर M1 लिखा हुआ है और जहाँ पर M2 लिखा है वहाँ पर हम पुट कर देंगे M, ठीक है। तो पुट कर देते हैं M, देखो यहाँ पे भी आ गया M माइनस M जो कि यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, नीचे भी M1 प्लस M2 की जगह पे M प्लस M आ गया, ऊपर M2 की जगह पे M और नीचे भी आ गया M प्लस M। देखो यहाँ पे M में से M माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 0 और नीचे M प्लस M ये आ जाएगा 2M। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे M प्लस M का हम कर देंगे 2M और ऊपर 2M2 M U2 एज इट इज़ लिखा हुआ है। नाउ 0 से मल्टीप्लाई होके ये पूरा फैक्टर बराबर हो जाएगा 0 के, तो हमारे पास यहाँ पर 2 से 2 और m से m हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा v1 इज इक्वल टू u2। यानी कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ m1 बराबर होगी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ m2। m1 की जो फाइनल वेलोसिटी है वो m2 की इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। और इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे v2 की जो हमारे पास इक्वेशन थी उसमें भी इसी तरीके से, जहाँ पे m1 और m2 लिखा हुआ है वहाँ पे हम m पुट करेंगे क्योंकि मासेज इक्वल हैं। तो वैल्यू पुट करने के बाद m माइनस m आएगा, यहाँ पे भी एज इट इज़ m आ गए सारे के सारे। अब क्या होगा, ये वाला जो फैक्टर है m माइनस m ये हो जाएगा बराबर 0 के, और 0 से मल्टीप्लाई होकर ये पूरी की पूरी वैल्यू बराबर हो जाएगी 0 के, जबकि यहाँ पे क्या होगा 2m से 2m को हम कैंसिल कर देंगे तो v2 बराबर हो जाएगा u1 के। तो आप देख लो फाइनल वेलोसिटी ऑफ m1 m2 की इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हो गई और फाइनल वेलोसिटी ऑफ m2 m1 की इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हो गई। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो बॉडीज हैं वो इंटरचेंज कर लेंगी देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। यह है हमारे फर्स्ट केस का रिजल्ट। अब इसकी सिमुलेशन देखो, तो ये देखो ये हमारा ना पहला वाला केस कुछ इस तरीके से मैं सिमुलेट कर सकता हूँ। ये दोनों बॉडीज़ हैं जिनके मासेस जो है वो सेम है, वन और टू दोनों के मासेस सेम हैं और एक की वेलोसिटी ज़्यादा है एक की वेलोसिटी कम है। फॉर एग्जांपल ये जो है वन यानी कि एम वन समझ लो, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और इसकी वेलोसिटी कम है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जब हम इनको मूव करवाते हैं, जब ये कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने के बाद क्या होगा, ठीक है। याद रखो अभी वन की स्पीड ज़्यादा है और टू की स्पीड कम है। फिर हम देखते हैं जैसे ये कोलाइड करते हैं तो टकराने के बाद आप देखो तो वन की स्पीड कम हो गई और टू की स्पीड बढ़ गई, ठीक है। इसी को दोबारा से देख लो, टकराने के बाद क्या होगा कि जो एम टू की वेलोसिटी थी वो एम वन की तरफ चलेगी और एम वन वाली एम टू की तरफ चलेगी। जो कि मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एम वन की वेलोसिटी को ज़्यादा करा हुआ है और एम टू की वेलोसिटी को कम किया हुआ, तो आप समझ जाइए कि बाद में दोनों इंटरचेंज कर लेंगे, यानी कि टू तेज़ हो जाएगी और वन स्लो, ठीक है। एक बार फिर से देखो, ये देखो टू तेज़ हो गई और वन स्लो हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग स्टडी कर चुके हैं फर्स्ट केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। केस नंबर टू, केस नंबर टू के अंदर दो बॉडीज़ हैं सिमिलर जैसे कि केस वन के अंदर थे, दोनों के मासेस इक्वल हैं, ठीक है। जो M1 M2 है दोनों के दोनों बराबर हैं M के, जबकि इस मरतबा जो एक बॉल है वो है इन स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, और जो दूसरी बॉडी है वो उसकी तरफ मूव कर रही है विद सम वेलोसिटीज़। यानी कि बिल्कुल ये तो स्नूकर वाले ही केस हो गया कि वहाँ पर एक बॉल जो है वो रुकी हुई है और दूसरी बॉल किसी वेलोसिटी के साथ जाकर उससे टकराती है। तो देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। नाउ केस टू, केस टू में M1 M2 के बराबर है और जो U2 है वो जीरो है। फॉर एग्जाम्पल हम सपोज कर लेते हैं M2 जो है वो रेस्ट में, तो अगर M2 रेस्ट में है तो U2 बराबर हो जाएगा जीरो के। सिमिलरली वैल्यूज पुट करेंगे, जहाँ पे M1 और M2 है वहाँ पे M पुट करेंगे और इस मरतबा जहाँ पे U2 था वहाँ पे भी हम जीरो पुट करेंगे। तो देख लो सारे M1 M2 की जगह पे M और M पुट करा, नीचे भी M प्लस M आ गया, यहाँ पे जहाँ पे U2 लिखा हुआ था वहाँ पे हमने पुट कर दिया जीरो। नाउ जीरो की वजह से ये पूरी वैल्यू बराबर हो जाएगी जीरो के
और यहाँ पे m माइनस n की वजह से जीरो आएगा, ये पूरी वैल्यू बराबर हो जाएगी जीरो के। इसका मतलब v1 बराबर हो जाएगा जीरो के, यानी कि टकराने से पहले जो बॉडी मूव कर रही थी यानी कि u1 जिसकी वेलोसिटी थी, अब उसकी वेलोसिटी बराबर हो जाएगी जीरो के। और देखते हैं कि जो दूसरी बॉडी जो रेस्ट में थी उसके साथ क्या होगा। तो दोबारा से वही काम है, m1 और m2 दोनों की जगह पे m पुट करेंगे और u2 की जगह पे जीरो। तो देख लो m1 और m2 दोनों की जगह पे हमने m और m पुट कर दिया और u2 की जगह पर आ गया जीरो। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू m माइनस m भी जीरो और ये भी जीरो, तो जीरो डिवाइड बाई टू एम, ये पूरा का पूरा जो फैक्टर है यही जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे m प्लस m टू एम होगा और 2m से 2m कैंसिल, तो v2 बराबर आ जाएगा u1 के। तो बात ये कि वेलोसिटीज यहाँ पे भी इंटरचेंज हुई, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बताना चाहूँ तो क्या होगा, इसका मतलब हुआ जो पहले वाली बॉडी थी m1 थी वो रुक जाएगी, ठीक है, और जो दूसरी बॉडी थी यानी कि जिसकी वेलोसिटी पहले जीरो थी अब वो मूव करना शुरू हो जाएगी बॉडी ए की इनिशियल वेलोसिटी के साथ, जैसा कि स्नूकर में हम लोग देखते हैं। और अब आप लोग सिमुलेशन में देखो, केस टू के मुताबिक जो एम वन है वो एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है टुवर्ड्स एम टू, और एम टू जो है वो है इन स्टेट ऑफ रेस्ट। तो अगर एक बॉडी जाके टकराती है, जैसे स्नूकर वाला केस मैंने आपको समझाया, तो बात यह है कि अगर ये एम वन जाके एम टू से टकराती है तो देखो टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद m1 रुक गई और m2 मूव करने लगी विद द वेलोसिटी ऑफ m1। ठीक है, अगेन इसको आप देख लो कि टकराने से पहले जो m1 है वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और 2 रुकी हुई है, और टकराने के बाद क्या हुआ, टकराने के बाद m1 रुक गई और जो सेकेंड बॉडी थी यानी कि m2 वो v वेलोसिटी के साथ मूव होना शुरू हो गई। केस नंबर थ्री थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर जो है वो दो बॉडीज हैं, एक बहुत ही मैसिव बॉडी है और एक बहुत ही लाइटर बॉडी है। मैसिव बॉडी वो बॉडी है जिसका मास बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड बॉडी। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल केस थ्री के अंदर ये है कि अगर मैसिव बॉडी रेस्ट में है और कोई लाइटर बॉडी उससे जाकर टकराती है तो क्या होंगी दोनों की फाइनल वेलोसिटीज, तो वो उसी तरीके से हम लोग साबित कर लेंगे। केस नंबर थ्री के मुताबिक हमने देखा कि एम वन जो है वो बहुत ज़्यादा, हम ये सपोज कर रहे हैं कि एम टू से बहुत कम है एम वन, यानी कि जो मैसिव बॉडी है वो रेस्ट में है, एम टू मैसिव बॉडी और याद रखो वो रेस्ट में है, और अगर वो रेस्ट में है तो इसी वजह से जहाँ पे यू टू लिखा हुआ था वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, वहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यू जीरो। तो ठीक है m1, अच्छा हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है क्योंकि m1 m2 से बहुत 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 छोटा है तो हम m1 को निगलेक्ट कर सकते हैं, m1 ना होने के बराबर का मास है। समझ लो कि अगर m2 जो है वो 10 किलोग्राम है तो ये जो m1 है वो 0.1 किलोग्राम है, तो ना होने के बराबर की है, तो इस वजह से हम m1 को निगलेक्ट करेंगे। तो जहाँ जहाँ m1 लिखना था वहाँ पर हम जीरो पुट करेंगे और u2 की जगह पर भी जीरो आएगा। तो देख लो m1 की जगह पर हमने यहाँ पर ज़ीरो रखा, इधर भी जीरो रख दिया, इसी तरीके से जहाँ पे U2 पुट करना था U2 की जगह पे भी आ गया जीरो। अच्छा यहाँ पर तो इस जीरो की वजह से ये पूरी वैल्यू बराबर हो जाएगी जीरो के, और इसको चेक कर लेते हैं, ये बराबर आ जाएगा माइनस का M2 U1 और यहाँ पे M2, तो M2 से M2 कैंसिल होगा और V1 बराबर आ जाएगा माइनस के U1 के। और इसी तरीके से V2 की वैल्यू निकालेंगे तो फिर जहाँ जहाँ m है m1 है वहाँ वहाँ जीरो पुट करेंगे, जैसे कि यहाँ किया, यहाँ किया, और फिर यहाँ पे भी m1 की जगह पे जीरो, यहाँ पे भी m1 की जगह पे जीरो, और फिर जहाँ पे u2 पुट करना था क्योंकि मैसिव बॉडी रेस्ट में तो उधर भी हमने जीरो लिख दिया। अच्छा ये वाली पूरी वैल्यू इसकी वजह से जीरो हो जाएगी और यहाँ पर ये जो पूरी वैल्यू है वो इसकी वजह से जीरो हो जाएगी, यानी कि जीरो प्लस जीरो आंसर आ जाएगा जीरो के बराबर। तो क्या रिजल्ट मिला, रिजल्ट ये मिला कि जो लाइटर बॉडी थी ए वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी जो उसकी थी उसी के साथ वापस टकरा कर चली जाएगी, और जो मैसिव बॉडी है वो रेस्ट में ही रहेगी, उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि आप देख लो सिमुलेशन में। तो केस थ्री के मुताबिक देख लो यहाँ पर जो मैसिव बॉडी है वो रेस्ट में, और मैसिव बॉडी जो है ना वो ये एम टू है, ये एम टू जो है वो रेस्ट में और काफ़ी भारी बॉडी है एज़ कम्पेयर टू दिस बॉडी, और ये जो है एम वन ये एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है टुवर्ड्स एम टू। तो देखते हैं क्या होगा टकराने के बाद। अब देखें जो फर्स्ट वाली बॉडी थी वो टकराने के बाद अपनी वेलोसिटी के साथ वापस चली गई, और जो मास नंबर टू था वो अपनी जगह पर ही रुका रहा, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अगेन देख लो एम वन जाके टकरा रहा है एम टू के साथ, और जैसे ही टकराएगा तो टकराने के बाद आप देखें जो एम वन थी वो अपनी वेलोसिटी के साथ वापस चली गई और जो एम टू है उसने अपनी पोजिशन को, अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं किया। केस नंबर फोर समझ लो केस नंबर थ्री का थोड़ा सा उलट है। केस नंबर थ्री के अंदर मैसिव बॉडी रेस्ट में थी और यहाँ पे जो लाइटर बॉडी है वो रेस्ट में है और जो मैसिव बॉडी है वो उससे जाके टकराती है। हाँ लाइटर बॉडी रेस्ट में है और मैसिव बॉडी उससे जाके टकरा रही है, तो क्या होगा दोनों के साथ, देखते हैं पहले मैथमेटिकली और उसके बाद सिमुलेशन में इस बात को समझते हैं। और हमारा चौथा केस के मुताबिक
जो एम टू है वो एम वन से बहुत ज़्यादा बड़ी है, या और इस मरतबा जो है यू वन जो है वो बराबर है जीरो के। और यू वन जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि जो लाइटर बॉडी है वो रेस्ट में और बहुत मैसिव बॉडी है उससे जाके टकरा रही है। बहुत मैसिव बॉडी अगर लाइटर बॉडी से जाके टकराती है तो पहले मैथमेटिकली देख लो क्या फ़र्क पड़ेगा, एम वन को निगलेक्ट करना है और यू वन की जगह पर ज़ीरो पुट करना है। जहाँ जहाँ एम वन था वहाँ वहाँ पर हमने ज़ीरो पुट किया, यहाँ पे भी आ गया ज़ीरो, यहाँ पे भी आ गया एम वन की जगह पे ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो आ गया, और फिर जहाँ पे यू वन था उधर भी ज़ीरो पुट कर दिया। तो ये वाली पूरी वैल्यू यहाँ से ज़ीरो डिवाइड बाई एम टू ज़ीरो हो जाएगी, पूरी वैल्यू ज़ीरो। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा टू एम टू यू टू, और फिर नीचे एम टू लिखा हुआ तो सिर्फ एम टू से एम टू कैंसिल होगा तो आंसर आ जाएगा टू यू टू के। यानी कि यहाँ पे जो हल्की वाली बॉडी थी वो भारी वाली बॉडी की डबल स्पीड के साथ मूव करेगी आफ्टर कोलिजन। और फिर देख लेते हैं कि मैसिव वाली बॉडी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दोबारा से एम वन की जगह पे ज़ीरो पुट करना है, जहाँ जहाँ एम वन था वहाँ वहाँ हमने ज़ीरो पुट कर दिया और फिर यू वन की जगह पे ज़ीरो किया। तो ये वाली पूरी वैल्यू ज़ीरो हो गई क्योंकि ज़ीरो डिवाइड बाई एम टू ज़ीरो, और यहाँ पे एम टू से एम टू कैंसिल, बराबर आ जाएगा यू टू के, वी टू इज इक्वल टू यू टू। सो हमारा रिजल्ट क्या बना, बॉडी ए जो कि भारी वाली बॉडी थी वो अपने आप को कंटिन्यू, जो भारी वाली बॉडी थी वो अपने मोशन को कंटिन्यू करेगी, और जो बॉडी बी है वो डबल वेलोसिटी के साथ जाएगी, जो हल्की वाली बॉडी थी वो डबल वेलोसिटी के साथ जाएगी भारी वाली वेलोसिटी के लिहाज से। सो केस नंबर फोर को सिमुलेट करके देख लेते हैं। केस नंबर फोर में आप देख रहे हैं जो मैसिव बॉडी है वो मूव कर रही है टुवर्ड्स एम वन, मैसिव बॉडी यानी फॉर एग्जांपल जो एम टू है वो मैसिव बॉडी है और वो जाके टकराती है इस पहले वाली बॉडी के साथ जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइटर बॉडी है। तो देखते हैं क्या होगा टकराने के बाद, जब एक मैसिव बॉडी जाके काफ़ी लाइटर बॉडी से टकराती है। तो अब देखें, टू अपनी स्पीड के साथ चलती रही और जो M1 है वो डबल वेलोसिटी के साथ मूव करने लगी। ठीक है, आप अगेन देखो इसको, फिलहाल M1 की वेलोसिटी ज़ीरो है और M2 जाके टकराती है, और टकराने के बाद जो M1 है वो निहायत तेज़ी के साथ यानी डबल वेलोसिटी के साथ जाती है और जो M2 है वो उसी तरीके से अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू करती है। सो दैट्स इट, यही चारों केसेस हैं, स्पेशल केसेस हैं इलास्टिक कोलिजन के। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं रिप्लाई करूंगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।